वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को x दिया है, y दिया है, x का एलिमिनेशन करा रहे हैं बेस के इंडक्शन या बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन, y में भी एलिमिनेशन हुआ है यूजिंग बेस, दोनों एल्कीन दिए एंड द एल्कीन इज सेम फॉर बोथ x एंड y। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एलिमिनेशन कहां फास्टर होगा, x में या y में। सो देखो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी हैलाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड है। तो हम लोग को पता होता है सेकेंडरी हैलाइड एलिमिनेशन इज फास्टर देन प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी का एलिमिनेशन फास्टर देन प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन का ऑर्डर है टर्शियरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो अगर आप सेकेंडरी को फास्टर कर देंगे तो आपका आंसर यहां पर गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी समझ में आ जाएगा। ये अपना बेस है, ये बेस क्या करता है, ये बेस H प्लस को रिमूव करता है, ये बेस H प्लस को रिमूव करेगा। तो यहां पर ये बेस कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, इस हाइड्रोजन को करेगा ना, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनेगा तो ब्रोमीन यहां से गया, हाइड्रोजन यहां से गया। तो अपना जो बनेगा H प्लस को हम लोग हटा रहे हैं तो अपना ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH Br और यहां आएगा CH2-। उसी तरीके से Y में भी कुछ होगा, Y में भी H प्लस या प्रोटॉन बाहर आएगा। कौन सा प्रोटॉन आएगा, ये वाला प्रोटॉन बाहर आएगा। तो अपना बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2- CH2Br। अब हम लोग को पता है यहां से ये CA- इधर आएगा, ब्रोमीन इधर चला जाएगा, ठीक है। यहां पर ये माइनस इधर आएगा, ब्रोमीन इधर चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड अपना आ जाएगा। अब देखो अपने पास इंटरमीडिएट बने हैं, ये भी एक इंटरमीडिएट है, ये भी एक इंटरमीडिएट है। Which intermediate is stable? So देखो this intermediate का ये जो माइनस है ना, resonance stabilize है with this C double bond O. So resonance stabilized. Resonance stabilized. ठीक है, but यहां पर no such resonance stabilization. No resonance stabilization. No resonance stabilization. यहां पर resonance stabilization था, ये तो clear होगा। So this intermediate is more stable. तो ये जल्दी बनेगा, और ये जल्दी बनेगा तो यहां से ये जो बनाए ना हम लोग, ये भी जल्दी बनेगा, clear है ये। और यहां पर जो ये reaction है, ये intermediate unstable है, तो इसका formation will be slow. फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट विल बी स्लो, समझ में आए। सो दिस रिएक्शन विल बी स्लोअर एंड दिस रिएक्शन विल बी फास्टर, ठीक है। सो वाई का रिएक्शन रेट विल बी फास्टर कंपेयर टू एक्स का रिएक्शन रेट। थैंक यू।